थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा वो मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, पर्सनल, ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए, बस इतना ही। चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं वही हूँ। हम जानते हैं, मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ, पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ, पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ, इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देख कर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू, ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गंदा था, मैं तेरे गन्ने जैसे लगती हूँ। मार बोलो, पागल से मार, नकलो को ठीक ना कर दीवी। और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। इतना स्वामी समझती थी, लेकिन तो गर्रा की उसमें अंदर से मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? आप क्या फायदा? याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे, डिजाइनर जगदीश। ओ या 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 या। हेलो सर। पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट?
मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है, आप चाहें तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ, वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर, दे आर वेरी पावरफुल। अच्छी अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा, हाँ माला 3 दिवस जाना, हेंची शॉपिंग कराई जाए, स्टाइलिंग कराई जाए, बिजी शेड्यूल है, यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर। हाँ, हाय कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। कैसा है अंकल? हेलो, मैं अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होते है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक। बाबा हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क मिलता है। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे, उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी, आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती है, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट, शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या श्योर। This is the biggest mall here. Kaisa hai? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Hello? कहाँ है? तू आने वाला था ना? कहाँ रह गया? कल जा रहा हूँ मैं. 900 करोड़ का मामला है. अगर कोई मैसअप किया ना तो. ठीक है. Okay. Come, let's move. हाँ माई. हाँ बाबा. शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा? Am I disturbing? No, 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 no. Carry on, carry on. सात साल का था जब माँ चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। माँ के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और मां के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और मां से प्यार, तो मेरी तरह मां से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी मां मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें मां के पास भेजा ना। में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। यही है मेरे डैड। गले लग जा। मेरे दोनों बाप कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू?
ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आ रही दूर। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। यार चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना? मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड, कम ऑन डैडी, पूरी सामान लिया। डैडी, डैडी। नमस्ते, आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी यही मेरी यही तुम्हारी शीरा है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले छोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ, हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है, देख मेरा जादू, इसकी पूछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है, मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊ? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस। अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुला ना तू। वो मुझे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसके क्या बेसात? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तेरी शक्ल में बारह क्यों बज रहे हैं? चले। हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ, वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। दो दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया है या बिगाड़ने आया है? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट, यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आई बाप, सॉरी शहनशाह, मैंने आपकी शान में गुस्सा किया। शहनशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई, आज इसकी इज्जत करो। सर, आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए, सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो, तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना, कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा। अरे जीजा जी, सगाई की तारीख नजदीक आ गई है, इन सब लोगों को शहर ले जाकर जरा कुछ कपड़े लत्ते दिलवा दीजिए। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। तुझे लाइसेंस किसने दिया स्टूपिड? उसने भाई की चुम्मी ली। दोनों की शादी होने वाली है, चुम्मी ली तो क्या हुआ? ये चुम्मी बाई वाली ने नहीं, दाई वाली ने ली। तुम्हें कैसे पता चला? शीशे में देखा। शीशे में दाया बाया और बाया दाया होता है, वाकई स्टूपिड है। चल आगे बढ़। अरे भैया मैं तो घबरा गया था, अच्छा वो बाएं से चुम्मी आई, अगर दाएं से चुम्मी आती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उसका बाप तो टार्जन का भी बाप है। ये दाया माया भूल जा, तूने उस शीशे में किसे देखा था? वही तो मुझसे गलती, मैंने इंदु को देखा था। वो सच में इंदु ही थी। तू सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी कृष्णा है। भूमि और इंदु डर नहीं लगता? मैं फिक्र क्यों करूं, तू है ना संभालने के लिए। तुमने तो मुझे बलि का बकरा बना रखा है। गधा नहीं मिला ना इसलिए। लेफ्ट साइड वाली निकालो, बहू के लिए कितनी चाहिए? दो ही लेनी है। ओके बीवी। क्या है बीवी? बोलिए जी। तुम 20 ले लो। जैसा आप कहें स्वामी। क्या देख रहे हो, क्या हुआ बता, दूल्हे के लिए कितना ले? कृष्णा से उसका बाप हो, मुझसे पूछो, ये नहीं मैं बताऊंगा।
उसके लिए 3 ले लो। तो आपके लिए 30। तुम ऐसा करोगे तो मैं भिखारी हो जाऊँ। यार दूल्हा मैं नहीं, वो है। तुमने एक गलती पर मेरी बैंड बजाई थी, इस कमीने का क्या होगा। ये कितने की है मौसी? मौसी, अरे चिल्ला क्यों रही हो मौसी? ये साड़ी कैसी लग रही है? इस साड़ी की जरी अच्छी है ना? साड़ी तो अच्छी है, पहनने वाली खराब लग रही है। तुम्हें कैसे पता कृष? तुम्हारी बातों से लगता है कि पुरानी पहचान है। भैया ऐसे ही है, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया। ये तो भैया की आदत है, चोर चुईट। किसी को कुछ बोलना हो बगैर सोचे मुंह पर बोल देते हैं। ये कपड़े को खराब बोलने की बजाय तुम्हें बोल बैठे है ना भैया। तुम साड़ी के बारे में पूछ रही थी, ये साड़ी बहुत ही बुरी है इंदु, तुम इसमें बिल्कुल ही डायन लगोगी। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकता हूँ दोस्त। कूल डाउन, कूल डाउन। ये पैकेट किनारे कर दो। इसकी तो क्या हुआ डैडी? यस डैडी, चल जाके इसे ट्राई कर। लड़के के लिए अभी आप ही लेंगे? पड़ोसी का नहीं, मेरा बेटा है। सिलेक्शन मैंने किया है और पहनेगा ये। डायपर के टाइम से यही चल रहा है। तो यार चलो डैडी। ओ तेरी तो, तुम यहाँ क्यों घुस रही हो? तुम्हारी तो क्या कह रहे थे, पहनने वाली खराब लगेगी। क्या रे, एसी में पसीने छूट रहे, पेट में गड़बड़े। सॉरी डैडी, मैं ट्राई करके आता हूँ, बस एक मिनट दीजिए। अब पता चला मेरे चेहरे पे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? मेरे पसीने कहीं और से छूट रहे हैं। तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा, अंडरवेयर टाइट कर लो। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेंशन हो गया। हो क्या? नो गांगुलिया। अरे बाप रे, ये तो सिर्फ जगह का नाम सुन के डर गए। मैम्बो के नाम से तो पैंट गिली हो जाती। मैं तो बोलता हूँ अपन भी निकलते हैं। चुप फट्टू, डर के आगे दिव्या है, उसके बिना नहीं जाऊंगा। वो किसी कॉफी शॉप में नहीं बैठी है, गांगुलिया में है। ऐसी खतरनाक जगह पर छोड़कर उसे कैसे चले जाऊं? तो क्या मरेगा? एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों इंडियन है? चाइनीज लग रहे हैं। अरे हिंदी बोल रहे तो इंडियन ही है ना। गुस्सा मत करो मेरे बच्चे, मुझे जरा रेस्टरूम जाना है, इसे संभालोगे प्लीज? ए भाई यहां लॉकर रूम नहीं है। लाइए मुझे दीजिए। लॉर्ड जीसस आपकी रक्षा करेंगे। सबकी हेल्प करने का ठेका लेके रखा है क्या तूने? अगर तू एडिसन का दोस्त होता ना तो उसे भी बल्ब बनाने से रोक देता। मैं तो बोलता हूँ चलते हैं। Excuse me, are you father Douglas? Yes. किसका फादर? हाँ यही है। कैसे पता चला? इटले के वेरी सिंपल, गले में स्टेथोस्कोप हो तो डॉक्टर, सफेद कोट अने हाथ में बाइबल तो फादर। छेने बात मत कर। आपकी तारीफ? हूँ जॉनसन एंड जॉनसन छू। फादर मैकेनिकल ने मुझे आपके लिए भेजा है। हूँ कृष्णा और क्रिश्चियन दोनों का भक्त छू। चलो चलो। अरे ब्रेक लगाओ, प्रार्थना करवा माटे ये अफ्रीका ही क्यों चुना? यहाँ पर इतना पाप बढ़ गया है कि दिल के लोग भी काले हो गए। साची बात, आप इन लोगों को सुधार के जाना हो। अरे इतनी जल्दी नहीं, आराम से। फादर कंकू ना करे, आयुष्मान हो। गॉड, अपने प्यार को बचाने के लिए आपका साथ चाहिए। अगर ये गलत हो तो माफ कर देना और मेरी मदद करना। फादर ये जगह नहीं है इसलिए टेंशन हो रही है, मैं सारी टेंशन को पेंशन दे दूंगा। जब पता चलेगा तो तुझे ही टेंशन होगी। आगांडो कौन छे? ये मेरा असिस्टेंट है मैथ्यू चड्डा। हानी जबान दर्जी नी कातर थी ज्यादा तेज छे, कहीं कुछ और ना काट ले। मिस्टर जॉनसन एंड जॉनसन, आपके नाम में डबल जॉनसन क्यों है, इसकी क्या वजह है? मेरी मम्मी को एक पेट फ्री चाहिए था, लेकिन मैं दुनिया में अकेला आ गया तो नाम में एक जॉनसन फ्री लगा लिया। अगर तीन भाई चाहिए होते तो मरने के बाद ऊपर जाके मेरी मम्मी से पूछ लेना। फादर इसकी जबान पे ताला लगाइए। सबसे पहले कौन से चर्च में जाएंगे? कंगोलिया जंगल के चर्च में। अचानक ब्रेक क्यों मारा? भाई त्या चर्च नहीं कब्रिस्तान छे, त्या बिना प्रार्थना के लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय कोल्ड ब्लड पीते हैं। इसीलिए तो वहाँ जा रहा हूँ, ताकि उन दरिंदों को दया का पाठ सिखाऊं। दया बोले तो सीआईडी वाला के तारक मेहता वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा सोचेगा तो दुनिया कौन बदलेगा? अरे पर जिंदा रहेंगे तब ने। बहस बंद करो और चलो, वरना श्राप दे दूंगा। मैंने यहाँ के रास्ते पता नहीं। सारे रास्ते गॉड की तरफ ही जाते हैं, तुम बस चलो। क्यों गॉड के पास पहुँचा रहे हो? ओके, मैं आपको ड्रॉप करके तुरंत एक जिट मार दूंगा, चलेगा? दौड़ेगा, पहले चल तो। अरे ये गए कहाँ? फादर, बाजू में बेसी ने मैंने फोन क्यों करो छो? डायरेक्ट बोलो ने। वो मेरे फोन में वायरस आ गया है, जब भी उससे फोन आया तो काट देना। ओके, समझी गयो। हे जीसस, हाय
फादर, एक डाउट छे, पूछू? पूछो। ये 25 दिसंबर का क्रिसमस लेटेस्ट छे या जीजस के जन्म से पहले का ओल्ड फैशन छे? इस सवाल का जवाब तो किसी चर्च में ही मिल सकता। कौन से चर्च? कंगोलिया में नए चर्च खोलेंगे, वही बताएंगे। Hey, stop laughing! Look there! ये बच्चे खिलौने की गन बेच रहे हैं क्या जॉनसन? ये असली गन छे, ये यहाँ के लोकल लुटेरे हैं, जूनियर। मैंने तो पहले ही बोला था फादर, अब बच्चे की जान बचाओ। प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना? हाँ, वो भी इन बच्चों के साथ। ओके। अरे रे बच्चों, इन्हें गन मत दिखाओ, ये फादर छे। फादर? किसका फादर? अरे मारा तारा बदाना। फादर प्रेयर चालू करो। बच्चों नील डाउन हो, घुटनों पर बैसो। अरे रे रुक जाओ, आसमान में कितने छेद करोगे? फादर ये भगवान के बच्चे कम शैतान के ज्यादा लग रहे हैं, अब क्या करें फादर? मुझे लगता है प्रार्थना का इन पर कोई असर नहीं होने वाला, सारा सामान दे देते हैं। मुझे भी देना होगा। वैसे चाहो तो जान दे दो। क्या वो सदमा लगा गया? ये बेवकूफ जाहिल गंवार लुटेरे है, महंगी गाड़ी छोड़ के नकली चाइनीज घड़ी ले गए। वेरी स्मार्ट जॉनसन, तुम जरा गाड़ी में बैठो। ओके बापू। एक्सक्यूज मी छोकरो। यस। वेयर कैन आई फाइंड मैम्बो? मैम्बो व्हाट फॉर मी? सी दैट कार, आई विल गिव यू दैट कार। कार? या अगर उसे कार दे दी तो हम क्या करेंगे? ए, वो क्या मुझसे पूछ के पैदा हुआ था जो मैं उसकी फिक्र करूं? मुझे दिव्या की फिक्र है। यू कम विद मी। ओके। राइट राइट। हां, इस चॉकलेट को साथ में लेने की क्या जरूरत थी? ताकि हमें कंगोलिया का रास्ता बताए। आपने तो कहा था कि प्रभु रास्ता बताएंगे। बच्चे भी तो प्रभु का ही रूप होते हैं ना? अरे लेकिन प्रभु कभी लूटते हैं क्या? क्योंकि ये इनका कर्म था। तुम अपने धर्म पे ध्यान दो और गाड़ी चलाते रहो। स्लो, केयरफुल अबाउट कार। अरे तेरा बापा नहीं गाड़ी छे? तू छे कौन मने हुकुम देने वाला? ये क्या है फादर, जैसे चाहूं चलाऊं, मारी कार मारी मर्जी। तुम्हारी है पर पेट्रोल प्रभु का है। समझ में आवे ऐसा कुछ बोलो ने। कोई बात नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा। Stop here. Come on. Come, come. हाथ में गन होए तो बच्चे भी हमारे बापूजी लगने लगते हैं फादर। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मम्मी भी यही कहती है। That is the place. Who is he? Mambo brother Moro. I'm going. Mambo ka bhai Moro? Ek bhai gheri khai to dusra andha kua. Bhago father. Johnson, inhi ko to sudharne aaye hain. Are kyun kutte ki poonch seedhi kar rahe ho? Logon ko maarna inka full time profession hai. Ab aaye to prayer to karni padegi. Prayer jaye par prayer na jaye. Abhi to shaadi ke phere bhi nahi liye maine. Mujhe ab bhi jana hoga. Ha? Hey, hey. फादर, वो काला कलूटा गाड़ी लेके भाग गया। चाय खेलने के लिए ले गया होगा। खेलने गया है? वो कोई खिलौना है जो खेलेगा? हो सकता है बेच दे। नारियल फोड़ूंगा तेरे सर पे। अपनी काली जुबान बंद रख, अमावस की पैदाइश कहीं का। जॉनसन। हाँ। अंधेरा होने वाला है, तुम चाहो तो लौट सकते हो। आंसू बोलो छो फादर, अकेला जाऊंगा तो भूखे जानवर मुझसे गरबा करवाएंगे। हमारे साथ चलने में और भी रिस्क है। अरे यहाँ कौन सा रिस्क, हम मेम्बो या मोरो के तबेले से उनकी भैंस चुराने थोड़ी जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। तुम तो जीनियस हो। खबर छे। अरे प्रार्थना तो घुटने पर बैसी नहीं होती है फादर, ऐसा तो मैंने बचपन में आम चुराते टेम किया था, और जब मैंने सिक्स पैक बनाए थे ने तब भी। तैयार रहना जॉनसन। तैयार कैम? क्या हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं? तुम्हारे सवाल सुना किसी जंग से कम है क्या? अबे अमावस की पैदाइश, तेरी भी मेरे जैसी गोनी होती तो समझ में आता। Who are you? He is father. He is brother. हूँ जॉनसन एंड जॉनसन। We came for prayer. My card is here. Father, तोड़ी नाक नारियल। नारियल बोला इसका सर नहीं। जरूरी था, जगह के हिसाब से प्रेस बदल जाती है। ये फादर पहले धोबी थे? धोबी नहीं, फाइटर थे। गन्स नीचे रखो वरना तुम्हारे बॉस को उड़ा दूंगा। गन्स नीचे रखो। यू
दिव्या को कहाँ छुपा के रखा है? अबे आप कौन? इनकी लवर। फादर लव कैसे कर सकते हैं? इनके फादर भी लवर थे। पहले तो कहा फाइटर थे। पार्ट टाइम में दोनों काम करते थे। उसे लेकर आ, नहीं तो तेरे भाई को भेजा उड़ा दूंगा अभी। नो, उसे कुछ मत करना। लड़की को लेकर आओ। दिव्या जी, तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। You're a cheater. तुमने कहा लवर, वो कह रही है चीटर। यार पाने के लिए ही चीट किया था। ओ, हम इनको सुधारने के लिए आए थे कि इसको छुड़ाने के लिए? जो हो रहा है चुपचाप देखो ना। तुमने क्या सोचा, तुम मुझे बचाओगे तो मैं सब भूल जाऊंगी? अरे बस करो, सिचुएशन को समझो। मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ। सच बताया था ना तुम्हें? सच बताया लेकिन बहुत लेट। अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। मुझे यहाँ रहना मंजूर है लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं। तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं मरूंगा। फादर, आप फादर हो, गॉड फादर नहीं। उसे मरना है तो मरने दो ने। अरे, इसी को तो बचाने के लिए आया हूँ। पर आप तो प्रेयर के लिए आए थे। जॉनसन, मैडम, मैं आपसे प्रेयर करता हूँ। अपना नहीं तो बच्चे का सोचिए, गुस्सा थूकिए, मान जाइए। ओके, तुम कहते हो तो ठीक है। तुम गाड़ी में बैठो। और तू क्या देख रहा है बे? अगर कोई अपनी जगह से हिला तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। चलो किशोर, रस्सी लेकर आ, बांध इसको। जॉनसन लात मार। वेरी गुड, अभी बंदूक पकड़। अरे मैंने आज तक बेटा को वाली नहीं तो मरेगा। क्या तुम सच में जुआ के बारे में कुछ जानती हो? हे, डोंट टॉक टू मी। तुम ही बताओ जॉनसन, ऐसे मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए ना? अरे गलत आदमी से गलत सवाल, मारी समझ में टप्पो तक नहीं आया। मारी समझ में कभी आएगा भी नहीं, समझना तो इसे चाहिए। जान पे खेलकर बचाया और थैंक यू तक नहीं बोल रही। किसने तुम्हें इनविटेशन दिया था? झूठे मक्कारों से बेहतर तो वो गुंडे थे। मैडम होल्ड योर टंग, हो फादर से इस तरह बात नहीं करते। यहाँ कोई फादर नहीं है पागल। ये क्या कह रही है? अनुस्क्रू ढीलो छे कैसू? वो हमारे लिए फादर है लेकिन उसके लिए लवर है। एमकेएम, 6 महीने पहले फादर इस लड़की के पीछे पागल थे लेकिन लड़की के फादर को ये फादर पसंद नहीं था तो लड़की ने अपने फादर की बजाय इस फादर को छोड़ दिया। अब शादी करके ये बच्चों के फादर तो नहीं बन सकते तो ये चर्च के फादर बन गए। अब लड़की अपने फादर की वजह से प्रॉब्लम में आई तो इस फादर ने बचा लिया। तारी पूरी बात ऊपर से गई गांडा, सिवाय इसके कि ये फादर वो तो है। मैडम आपने इनको रिजेक्ट किया फिर भी ये आपको बचाने आ गए, ये भी कोई तरीका है बात करने का? इनको सॉरी बोलो। मैं इससे क्यों माफी मांगू? फादर, इस चुड़ैल के अंदर ना ही फीलिंग्स है ना ही मैनर्स, इसे इसी जंगल में छोड़ दीजिए, जानवर भी नहीं खाएंगे। यार पाने के लिए मेहनत की है, छोड़ने के लिए थोड़ी। बोले ये नागिन जहरीली बातों से डसती रहे तब तो जहर प्यार बन के रगों में दौड़ेगा। आपकी बात सुनने के लिए लगती अच्छी है लेकिन लॉजिक से कोसों दूर है। ये तू क्या देख रहा है गेंडे? ओरंगूटन जैसा चेहरा है तेरा और ये हड़ियाल जैसी नाक, तू मेरे को डराएगा? क्या यो घूमा के तू क्या? I tell you. फादर, ये मने अंग्रेजी में मारना चाहता है। सुन क्या रहे हो, फोड़ दो उसे, वैसे भी बॉर्डर पास में ही है। वही करना था, आपकी परमिशन का वेट कर रहा था। पहले तो ने थोड़ी नाक पे बोले तो है यू, तारा मुँह पर थू, अभी तेरी अकड़ दिखाता हूँ कालिए। अरे ये क्या कर दिया जॉनसन, अब वो तुमसे बदला लेगा। अरे हूँ गुजरात नो कालूडो नाक छू। तुम बिल्कुल हटेले हो। अरे अरे बेटा स्कूल जाना। मुझे नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए फीस भरी है। फीस क्यों भरी, मैंने थोड़ी कहा था। करते भाई। ओ बड़े भाई। हाँ बड़े भाई, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई नहीं करना चाहता। अच्छा, नहीं चाहता। ओ माय गॉड, तू नहीं करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? इसे पकड़ कर ऐसे फेंकेंगे। यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? बस पे पहुँच गया। तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। बंद कर के बच्चे। ऐसे क्यों फेंक दिया तूने? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को बिगड़ता हुआ देखू? लकी का बेटा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए। जो अंबानी बनने का सपना देखे। फालतू चीजों का टेंशन लेते हो बड़े भाई। देखो आप जाकर आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ, शाम को मिलूंगा। ये आपका बड़ा बेटा है, सच में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें ऐसा लगा मेरी बदकिस्मती? बदकिस्मती? एक बार हमारे होटल आया था, दो चाय लाता हूँ, अगले दिन फिर आया, चार चाय देना। चाय मस्त आएगी। वो इतने दिन से आ रहा है तो प्यार से एक शब्द बोल दिया, तब से हमसे जुड़ गया। ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जी? फ्लैशबैक देखो। कैसे हो बेटा? क्या कहा? कैसे हो बेटा ये पूछा। क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे जहन्नुम में जाने के लिए कहा लेकिन कभी कैसे हो बेटा नहीं पूछा। आज आपने मुझे बेटा कह के पुकारा है तो आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बड़े भाई। बड़े भाई, रो मत रो मत। और आज से आप मेरी भाभी हुई और तू मेरे बेटे जैसा। ये होटल एक मंदिर है, हमारा रिश्ता अटूट है, आप दोनों राम सीता और मैं लकी। ये देखकर बहुत इमोशनली कनेक्ट हुआ और सोचा कि ये सेंटिमेंटल फेलो है,
उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनाकर मेरी बजा रहा है। जब उसे भूख लगती है जरा ऊपर देखो, मेरी चाय की दुकान उसके लिए रेस्टोरेंट बन जाता है। अपने दोस्तों के साथ जब दारू पीनी होती है तो ये बार बन जाता है। जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है। ना चाहते हुए भी हमारी तीन की फैमिली चार हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है। उससे कोई भी मिलता है तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, ब्रह्मा भी बना के कंफ्यूज हो गया होगा। इधर क्या लिखा है? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव नहीं करेगा तो पेट्रोल लेके जाएगा। फट साला लॉजिक वाला बोर्ड निकाल, काट दे। ओ नो भैया, ओ माय गॉड, नमस्ते सर, ये गिर रहा था तो मैंने पकड़ लिया सर। मैं आपके भाई का दोस्त हूँ सर। तेरी तो भाई का दोस्त है? माँ कॉफी। कॉफी बनाओ। माँ चाय। हाँ पहले चाय बनाओ। इसकी तो जलता है। राजनीति में कदम रखने वाले हैं शिवा रेड्डी। साला चोर क्या कदम रखेगा, खा जाएगा सब। गुंडे भी अब राजनीति में घुस जाएंगे। पुलिस क्या कर रही है? ए, कुछ भी छाप दे। अरे बाप रे, 500 रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा गया कॉन्स्टेबल। चीप, वेरी चीप। चाय। चोरी के पीछे ऐसा है कहा दांत तेरे की। छी, ए, मंगला पेपर हटा दो यार यहाँ से, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सुबह सुबह पेपर उठा कर देखो तो चोरी पुलिस ये सब क्या है? ओह माय गॉड, मैं तो घर पर बैठकर पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ लेकिन पुलिस की नौकरी करना ना बाबा। टूट गया, अब इसका क्या फायदा? क्यूट, कितना मजा आ रहा है। गोली और बंदूक भी फेंक दे। ये क्या है? दे दिया था। हाँ माँ। भूल जाती हूँ। बादाम का उपमा पापा के लिए दे आओ। मेरे पापा को बादाम का उपमा पसंद है लेकिन उनके बेटे को उपमे के अंदर के बादाम पसंद है। ठीक वैसा जैसे माँ ने बनाया। बादाम और उपमा, अंदर कोई है? समंदर में अब पापा बादाम वाला उपमा। बादाम में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। वो वहां रखते हैं, तेरे लिए नहीं है। पापा वो बात क्या है बता। वो क्या है ना, वीसा। किस लिए? मेरी अमेरिका जाने की तमन्ना है। तो तुझे पैसे की जरूरत है? पैसे की बात नहीं है पापा, वीसा के लिए बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। तेरा मस्का पॉलिश मुझे मत लगा, पैसे चाहिए तो भैया से मांग ले। वो कमीना क्या पैसा देगा? क्या कहा तूने? गाली दी आपको? कितनी बार कहा मैं गाली नहीं देता। ये क्या सिगरेट इतनी कैसे हो गई? पापा मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ बोल। आप सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जो मेरी सिगरेट पीता उससे तेरी तबीयत ठीक रहेगी। भागो यहाँ से। अपनी अपनी जगह ले लो। अरे उठो उठो, घंटी बज गई। जल्दी उठो, जिम की घंटी बज गई। अरे उठिए ना, जिम जाने का वक्त हो गया है। इटली नहीं है ये, लेट होने पे भैया बैंड बजा देंगे। उठ भी जाओ। अरे ये घर है या जेल खाना? पुलिस अकेडमी की प्राइवेट ब्रांच खोल दी है, इन सब से बचने के लिए ही तो मैं इटली गया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया जिम में आते ही होंगे। टीवी सीरियल में भी एक दिन का गैप होता है, भैया के यहाँ तो कोई गैप नहीं है। सुप्रिया तुम अभी तक बैठी हो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने कहा था तुमसे शादी होगी तो मैं दुनिया घूमूंगी, पर ऐसे भागना पड़ेगा पता नहीं था। ओहो, अरे जल्दी उठिए। अरे बाबा लेट होंगे तो मारे जाएंगे। मरोगे तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा। यस सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। पंडित राधा कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती निर्मला शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती गायत्री शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती सुप्रिया शर्मा। प्रेजेंट। सर ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD इज कमिंग। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग भैया, रात को फ्लाइट लेट हो गई थी इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर एक्सरसाइज के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो ये तोन क्यों है? शूटिंग नहीं है ना? शूटिंग किस बात की? डैडी, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शूटिंग करनी पड़ती है ना, वो है ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटी, दरअसल इटली का माफिया पंडितों के डर से छुप गया है। वेरी गुड गोपी शर्मा, तुमने प्रूव कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, वहाँ इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन तो होते ही रहते हैं। क्या लगता है मेरा फंक्शन बंद होने वाला है? वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, पर अभी तक प्रेम नहीं आया ना। नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह! गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? घर में हमेशा एसी चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्कशेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो तीन जनरेशन से मिल लिए हो, अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो, अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। और आराध्या अपनी माँ के साथ कांस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए, घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है। मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है, उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम, कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है एक भरी हुई बंदूक की तरह, तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया, ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया, पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये, 10 मीटर दौड़ कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है, पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है, भूख मरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का, ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो, बंटी साथ रहेगा, बाहर जाकर नॉन स्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉन स्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पुणे बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस, अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते? तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। ओ जी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो? मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद? ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था, वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह, बड़े भैया चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितनी मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है, मामा पूछ रहे थे किसने छपाया। तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा, अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा, तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द, कलर, कॉन्सेप्ट, जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें, और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया, डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा, IPS, BA, MA, FFFFFF, सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा, होमली लगता है, इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे, तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले काम के नकाज के थाईमन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। भैया। क्या भैया? भैया
दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती, वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था, मेरी तो खराब है, जो इस तरह का नाला है, मेरी जिंदगी में आ गया, पता नहीं कब छुटा, शर्म नहीं आती, हराम खो रही है। ये तो प्यून की नौकरी करने के लायक नहीं है, प्यून की नौकरी भी। हट। चलो सर। देखा तुमने, कार्ड में से इनकी डिग्री गायब होने भर से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना दी इन्होंने। क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है? डील क्लोज, फ्लैट बिक गया टाटा। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार सौ बीमार, इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या हो ना सर? रस्ते का भिखारी हो, सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया, और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है, मैं तो जरा कन्फर्म कर रहा था। ए, कहा ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। कौन है बिजू? सत्या का दोस्त हूँ। इसको भी इसी वक्त पकना था, इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ, दोस्त आया है, लंगोटिया यार है, बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उठो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। मैंने उसे पाला पोसा, हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनाया। हेलो, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। क्या भाई, ये तेरे दोस्त का घर है? मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है, यहाँ रह ले, लेकिन डिसिप्लिन से। सिर्फ दो दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद एक सेकंड भी रहा तो लात मार के निकाल दूंगा। ओए, वहां कहाँ जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहे। अबे सुनाई नहीं दे रहा, बहरा है क्या? आयला खुल जा सिम सिम, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया? और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया हूँ। वो देख, रंगीला लैंड हो गया। ये रंगीला है? शक्ल से तो काला पीला नजर आ रहा है। एक सीधे पकड़ना, सीधा पकड़। ये सतरंगी देख के चलना। ओ माय, आई थिंक ऑल दीस गाइस आर शेमलेस। इनसे बात करना है बेसलेस। आई शुड मेंटेन डिस्टेंस। तुम लोग किसके लिए आए हो? आपके लिए, देखो ना। पर तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। पर हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन थी। मैं चीज़ ऐसी हूँ। अबे हिली चाल, ये ले। बैठी चाल, ये ले। ए धोबी पछाड़, ये ले। सर मेरा नाम धोबी नहीं, मूंगफली है। मैं धोबी हूँ या मूंगफली? डिस्टेंस मेंटेन कर। आखिर तू है कौन बे? आप हमसे डिस्टेंस मेंटेन करने कह रहे हैं? करेक्ट। तुम लोग हो कौन? इंडियंस। तुम्हारी करेंसी क्या है? रुपीस। मेरी करेंसी है डॉलर्स। हमारी करेंसी में डिस्टेंस कितना है? 60 रुपए का। तो एटलीस्ट 60 इंच का डिस्टेंस रखना। फॉलो मी। नमस्ते, नमस्ते। ये तुम्हारा भूतकाल कहाँ से आ गया? अमावस की पैदाइश है, युगांडा से डांस सीखने आए हैं। नारे चू नाउ ओपन फॉर यू पापा। ट्रांसलेट। ये काली माँ के भक्त है, प्रसाद में बूंदी के लड्डू, हलवा और आपको चूरन देने आए हैं। हमारे लोग बाबाओं की तरफ भाग रहे हैं और ये बाबा लोग भगवान की तरफ। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ क्यों नहीं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफ भी दूंगा। ये ऑडी मेरे लिए है ना? ये ऑटो आपके लिए। ओह नो। क्यों ड्राइवर, डांस स्कूल के बजाय इस खंडर में ले आए? आप लंबा सफर करके थक गए होंगे ना, आपको फ्रेश करवाने लाया हूँ। फ्रेश? और इस खंडर में? ये रंगीला फ्रेश होने भी 5 स्टार नहीं जाता है बच्चू। अरे 5 क्यों, जितने चाहिए स्टार्स देता हूँ। आप अंदर तो चलिए। सच? पर बाहर से तो ये इस बैठी चाल की तरह गंदा है। पर अंदर से आपकी तरह चमकता है सर। सच? कम ऑन। हे बजवट। हे करेंसी डिस्टेंस। कैसी है, अच्छी है ना? हॉल्ट, ये सारी में नारी कौन है? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग। हाय। हाय। यहाँ तो कीचड़ में साड़ी पहन के फूल खिला है। ये रंगीली कन्याएं यहाँ क्या कर रही है? रूम सर्विस, रूम सर्विस, रूम सर्विस।
ये थरथराता थाई मसाज जानती है? भरता मसाज भी जानती है। भरता मसाज कैसे होता है? लातों और घूसों से। लातों और घूसों से? यस। यहाँ से गेटवे विंडो दिखेगा सर, ये रहा आपका स्वीट रूम। ये होटल का स्वीट है या म्युनिसिपैलिटी का डंपिंग ग्राउंड? यहाँ तो मेरी मरी हुई सांस भी सांस नहीं ले पाएगी। ये आंखें फाड़ के क्या देखेंगे? ये बेड का फर्नीचर तो कबाड़ खाने का लगता है, और ये फ्रिज चोर बाजार से चुराया हुआ। ये क्या चुटकी बजा के क्या कर लेगा? मसाज करना है सर। Why you close the door? चैप्टर क्लोज करने के लिए। इतिहास का चैप्टर हूँ जो क्लोज करेगा? वो नहीं तो आप बन जाओगे। अबे हिली डुली चाल, मुंह बंद कर। रंगीले। यस। साइलेंट जोन में चिल्लाना नहीं चाहिए। क्यों, यहाँ कोई बच्चा सो रहा है क्या? ये क्या, डायबिटीज के पेशेंट के बैग में शुगर? ब्राउन शुगर है ये। ब्राउन शुगर? लेकिन ये मेरे बैग में कैसे? साथ में कोकेन और गन भी है। कोकेन और गन? तो आप कोकीन के भी शौकीन हैं? आखिर ये सामान मेरे बैग में है, कहां से आया? वो देख। ओए मारा गया। उन भक्तों ने भगवान के नाम पर मेरे मुंह पर ड्रग्स की कालिक पोत दी। वो रक्षक थे या ड्रग्सक? मीरा रोड ड्रग्स स्कैंडल में पकड़े गए नाइजीरियंस थे। पिटाई और सामान की अदला बदली के बाद सब कुछ साफ हो गया। तुमने इस डांस मास्टर को किडनैप किया है, और अब मेरी जगह तुम मास्टर बन के वहाँ जाओगे, और मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बन के तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। आज से मुझे तुम्हारे इशारों पर नाचना पड़ेगा। सही कहा ना?